हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, किंग खान के बर्थडे पर उन्होंने अपने फैंस के लिए एज अ गिफ्ट पठान का टीजर लॉन्च कर दिया, जिसके लिए उनका फैंस ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या। और वो भी ठीक ऐसे वक्त पे जबकि बॉलीवुड की लगभग हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पे पानी मांग रही थी। बॉलीवुड की हर एक मूवी, हर एक डायरेक्टर, हर एक स्टार पब्लिक को कन्विंस करने में नाकामयाब हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो बॉलीवुड की नई आवाज डूबने वाली थी। ठीक ऐसी हालत में किंग खान अपनी ग्रैंड एंट्री लेते हैं और आते हैं अपने थ्रोन को संभालने। और जब हर एक सुपरस्टार के ऊपर से भरोसा उठने लगा था, उम्मीद दम तोड़ने लगी थी, तब एसआरके ने दिखा दिया कि अभी हम जिंदा है। और दोस्तों, 57 की इस एज में भी ऐसा गजब का एनर्जी, ऐसा माइंड ब्लोइंग फिटनेस, ऐसा बवाल स्क्रीन प्रेजेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एसआरके ही कैरी कर सकते हैं। और इस टीजर में जॉन और दीपिका के होते हुए भी एसआरके ने अकेले ही पूरी की पूरी महफिल लूट लिया। विजुअल्स की बात करें तो वीएफएक्स के लिए हम एसआरके पर भरोसा कर ही सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने 2011 में रावण जैसे ऐसे भारी भरकम वीएफएक्स वाली मूवी बना डाली थी, साथ ही साथ फैन और जीरो जैसे मूवी के वीएफएक्स के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हालांकि 2011 में बनी रावण मूवी अपने वक्त से काफी आगे की मूवी, जिसकी वजह से तब उस मूवी की कीमत को कोई नहीं समझ पाया, उसकी अहमियत किसी को समझ नहीं आई। और आज 2022 में बैठ के हम उस मूवी के वैल्यू को समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज फैंस रावण का भी पार्ट 2 का डिमांड कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है, तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि एसआरके इस बार भी हमें निराश नहीं करेंगे। और इस टीजर का वीएफएक्स को देख के एकदम फाड़ू गजब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा फील तो नहीं आ रहा है, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग जरूर लग रहा है। और एक्शन सीक्वेंस, कैमरा वर्क काफी हद तक हॉलीवुड के लेवल के जैसे ही धमाकेदार लग रहा है। खासकर वो जो शॉटगन को फॉलो करने वाला है और उसके बाद वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, उसे देख के मजा ही आ गया। और कहा जा रहा है कि मार्वल के जैसे ही इस मूवी में भी 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे, जो कि यशराज फिल्म्स अपना जो स्पाई यूनिवर्स बना रहा है उसके साथ इस मूवी को कनेक्ट करेगा। और इसीलिए एक था टाइगर सीरीज से सलमान खान और वॉर से ऋतिक रोशन का कैमियो भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल टीजर देख के काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, काफी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं। और बाकी जब ट्रेलर आ जाएगा तो ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा कि ये मूवी आखिर किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए। God that the brothers on the rise now.